हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है ईपीएफ के थ्रू, तो ये मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में दो चीज़ आपको बताऊँगा कि फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊँगा कि आपका ईपीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, कितना अमाउंट पासबुक में है, आप कैसे पता करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर स्टेटस चेक करना चाहेंगे, अगर आप विड्रॉल कर लिए हैं पेमेंट कुछ, आप जितना मान लीजिए आपका ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, आप 50,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, तो इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, इसी वीडियो में मैं दो चीज़ आपको बताऊँगा। तो ये छोटा सा वीडियो होगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आप क्या करेंगे, जाएंगे गूगल में। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ टाइप करेंगे ई पी एफ पोर्टल टाइप करेंगे यहाँ, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन www.epfindia.gov.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। आने के बाद एक थोड़ा एक मैसेज है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, ये जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट हम आ गए हैं। आने के बाद बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ आप देखिए KYC अपडेट यहाँ कर सकते हैं जो मेम्बर होते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ कर सकते हैं, उमंग ऐप, ये जो आप जो विड्रॉल करेंगे ये उमंग ऐप के थ्रू आप कर पाएंगे और ऑनलाइन भी कर पाएंगे, मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। और ई पासबुक आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, ये सारा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप कैसे बैलेंस चेक करेंगे और कैसे आपका जो स्टेटस चेक करेंगे, ट्रैक कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहला नंबर पर है सर्विस, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, ईपीएफ कर्नर, ये सारा का सारा है। तो आप क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद ये जो एम्प्लॉयर होता है ये गवर्नमेंट होता है, और एम्प्लॉयज जो होता है जो सर्विस करते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज, और जो गवर्नमेंट होता है एम्प्लॉयर। जो ईपीएफ में पैसा मिलता है 50% आप जो क्लाइंट है वो देता है, जो सर्विस होल्डर है वो देता है, और जो 50% गवर्नमेंट से थ्रू आता है और यहाँ पेमेंट डिपॉजिट होता है, इसके बाद इंटरेस्ट के थ्रू उनको मिलता है। तो हम जो स्टेटस चेक करना चाहेंगे, बैलेंस चेक करना चाहेंगे, तो यहाँ हम जाएंगे फॉर एम्प्लॉयज। यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेंबर पासबुक, ये सर्विस ऑप्शन बहुत सारा आ गया है, मेंबर पासबुक, मेंबर UAN, ऑनलाइन सर्विस, OCS उमंग, एलिजिबिलिटी, नो योर क्लेम स्टेटस, ये सारा का सारा ऑप्शन आ गया है। तो आप पासबुक चेक करने के लिए मेंबर्स पासबुक में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, मैं रात को 11:17 हुआ है, थोड़ा नेट स्लो हो गया है, तो आज भी वैलेंटाइन डे है इसलिए बहुत स्लो हो रहा है दिन भर। तो आप क्या करेंगे, मेंबर पासबुक में जाएंगे, आपका बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ जाना बहुत ज़रूरी। और यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपका UAN नंबर, अकाउंट नंबर जो ऑफिस से मिला होगा, आप या ऑफिस से आप कलेक्शन कर लीजिए, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO जाके आप वहाँ भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं पहले मेरा कलेक्शन कर लिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ टाइप करूँगा। देखिए मेरा यहाँ टाइप करते ही मेरा जो अकाउंट नंबर आ गया है। आने के बाद यहाँ आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, इसको मैं काट रहा हूँ। करने के बाद हम पासवर्ड दे देंगे, पासवर्ड हमने डाल दिए हैं। पासवर्ड डालने के बाद ये माइनस में होगा, कभी कभी प्लस में भी होगा। अब क्या करेंगे, इसका आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ 25-1 हुआ है, हम यहाँ 24 टाइप करेंगे, और इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट मेंबर आईडी जो आपका आईडी जो होगा यहाँ दे दीजिएगा। यहाँ देखिए एक आईडी है, मेरा आईडी है, यहाँ मैं दे रहा हूँ। यहाँ आईडी देने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ व्यू पासबुक न्यू ईयरली, और ये व्यू पासबुक ओल्ड फुल,
और व्यू क्लेम स्टेटस, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप अगर व्यू पासबुक करना चाहेंगे या यहाँ व्यू पासबुक ओल्ड वर्सन में करना चाहेंगे या यहाँ आप ईयरली करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे ये ओल्ड फुल आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए मेरा अकाउंट में जो है टोटल फीस बैलेंस से 80,119, टोटल ईयर बैलेंस से 48,760, टोटल मिला के हुआ है 1,28,879 रुपीज़। और कब कितना पैसा मिला है यहाँ टोटल दिया गया है, आप चाहें तो इसका मंथली या ईयरली यहाँ चेक कर सकते हैं, ईयरली इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका जो यहाँ देखिए आप अगर डाउनलोड करना चाहेंगे ये जो स्टेटमेंट 1 से 5 नंबर तक का है, अगर यहाँ स्टेटमेंट आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ डाउनलोड पासबुक पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड फाइल 24 KB का है, यहाँ डाउनलोड फाइल करने से यहाँ आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा, 2-4 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पासबुक कैसे, देखिए इसको अगर हम ओपन कर लेंगे, देखिए ये सारा का सारा यहाँ शो कर रहा है। तो ये था आपका कैसे आपका जो पासबुक कितना अमाउंट है, कितना कौन सा महीना में क्या कितना डिपॉजिट हुआ है, ये सारा का सारा है। अगर आप पैसा विड्रॉल कर लिए हैं, अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ व्यू क्लेम स्टेटस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। स्टेटस में क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ देखिए क्लेम स्टेटस डिटेल्स नो क्लेम्स फाउंड फॉर द मेंबर आईडी, ये जो मेंबर आईडी है इसमें से कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। अगर आपका क्लेम होगा या आप अभी अभी क्लेम किए हैं यहाँ भी शो नहीं करेगा, 5-7 दिन के बाद यहाँ आपका शो करेगा। तो आप जो ऑनलाइन में जो वेबसाइट में जो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 28 डेज में ये क्लेम हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, 15 दिन के अंदर आ जाएगा और 3-4 दिन बैंक वालों ने टाइम लेते हैं, तो इसलिए 3 वीक से ये आपका अकाउंट में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम पासबुक चेक करना चाहेंगे तो यहाँ हमारा जो पासबुक है ये न्यू ईयरली वर्सन हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए अगर 2021 के यहाँ करेंगे तो इतना अमाउंट आ रहा है, अगर हम यहाँ इसको चेंज कर देंगे 1920 तो यहाँ देखिए यहाँ अमाउंट वो आ रहा है, हमारा 920 तक था 69,000 ये सारा अमाउंट था। तो ऐसे करके आप क्लेम स्टेटस या विड्रॉल स्टेटस जो भी आप बोल सकते हैं इसको आप चेक कर सकते हैं, और आपका ये जो आपका जो पासबुक जो अमाउंट कितना है आपका अकाउंट में तो यहाँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, इस वीडियो में आपने जाने कि आप कैसे पासबुक चेक कर पाएंगे, बैलेंस आप चेक कर पाएंगे, और कैसे आप विड्रॉल स्टेटस जो आपका विड्रॉल किए हैं स्टेटस आप अभी तक आप कैसे चेक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको मैं बताया हूँ। अगर ये छोटा सा वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, जय हिंद।